खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। और आप देख रहे हैं जीएसटी। आइए शुरुआत करते हैं बिहार के प्राइम टाइम खबरें। बिहार में एनडीए के कई विधायकों पर कोरोना का खतरा। बीजेपी नेता वैद्यनाथ प्रसाद की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार में भी कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चुनाव के समय कई नेता कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन यह सिलसिला अब चुनाव के बाद भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता वैद्यनाथ प्रसाद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। लालू फोन कॉल कांड, बीजेपी सीबीआई के सामने ले जाएगी मामला। हेमंत सरकार से कार्रवाई की मांग। बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने झारखंड सरकार से लालू प्रसाद पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लालू ने बीजेपी विधायक ललन पासवान को धमकी दी है और कहा है कि स्पीकर के चुनाव में वोट मत करना। कॉल झारखंड से आया तो सीएम हेमंत सोरेन इस पर कार्रवाई करे। दिसंबर से पहले नवंबर की सर्दी का सितम, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूं तो हम सभी सितंबर के सर्दी की चर्चा करते हैं, लेकिन बिहार में नवंबर महीने के अंदर पड़ रही ठंड ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। नवंबर की सर्दी में पहले पटना के अंदर 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और अब गया में 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। गया में मंगलवार को तापमान लुढ़क कर 6.5 डिग्री जा पहुँचा। विजय कुमार सिन्हा बने बिहार विधानसभा के स्पीकर। हंगामे के बीच हुई वोटिंग में महागठबंधन के अवध बिहारी को हराया। बिहार विधानसभा में स्पीकर के लिए चुनाव में सत्ताधारी एनडीए की जीत हुई है। लखीसराय विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी को हराया है। पूरी वोटिंग प्रक्रिया विपक्ष नेताओं के हंगामे के बीच संपन्न हुई। वोटिंग प्रक्रिया में 240 सदस्य शामिल हुए। इसमें से 126 विधायकों ने विजय कुमार सिन्हा को समर्थन दिया और 114 विधायकों ने अवध बिहारी को समर्थन दिया है। नियंत्रित हाईवा और बाइक की टक्कर में एक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित कामाख्या पेट्रोल पंप के पास नवगछिया 0 माइल की ओर से आ रहे बाइक में ओवरलोड अनियंत्रित हाईवा ने पीछे से ठोकर मार दिया। इस घटना में बाइक सवार मोहम्मद सजाद घायल हो गए और वहीं बाइक पर पीछे बैठे मोहम्मद मासूम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद का बयान, राजद लोकतंत्र की परंपरा और संवैधानिक नियमों का कड़े सम्मान। बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुने जाने पर विजय कुमार सिन्हा को बधाई देते हुए राजद को सदन और संविधान का पालन करने की नसीहत दी है। निखिल ने कहा है कि बिहार स्पीकर पद के लिए मत विभाजन में हार के बाद अब राजद को उदंडता छोड़कर एक बेहतर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। गिरिराज सिंह बोले, लालू यादव ने एक बार फिर से जंगल राज का टेलर दिखाया है। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी के एक सनसनीखेज दावे ने सियासी हंगामा मचा दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जेल से भाजपा विधायक को फोन कर उन्हें मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव का वह ऑडियो भी जारी किया है जिसमें वह कथित तौर पर भाजपा विधायकों को फोन कर मंत्री बनाने का ऑफर दे रहे थे। बिहार में कोरोना का कहर जारी है।
फिर मिले 763 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 5779। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक बार फिर से राज्य में कोरोना की रफ्तार तेज पड़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 763 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के नए मरीज की सबसे अधिक संख्या पटना में बताई जा रही है, जहां 292 नए मरीज की पुष्टि की गई है। मुकेश सहनी ने सदन में ही तेजस्वी को घेरा, कहा लालू जी जेल से विधायकों को प्रलोभन दे रहे हैं और बेटा लोकतंत्र खतरे में है की बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए के प्रत्याशी विजय सिन्हा को चुना गया है। उनसे विधानसभा उपाध्यक्ष बनने की घोषणा प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने की है। एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा के स्पीकर बनने के बाद उन्हें सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा सभी दलों के नेता ने बधाई दी है। तेजस्वी यादव के बयान देने के दौरान सदन में बैठे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया। इसके बाद वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने संदेश के दौरान सदन में विजय सिन्हा को बधाई देने के बाद तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को दिखाया आईना, कहा इसी सदन में लालू प्रसाद किस हैसियत से बैठते थे सबको पता है। बिहार विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू हुई। तीसरे दिन शेष बचे 4 सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू करवाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि विस अध्यक्ष चुनाव में नीतीश कुमार का क्या काम, वे तो इस सदन के सदस्य भी नहीं है। इस पर प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने हंगामा करने वाले सदस्यों को तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि इस सदन में जब राबड़ी देवी सीएम थी और लालू प्रसाद एमपी थे तो वह किस हैसियत से इस सदन में बैठते थे। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।